हेलो एवरीवन, चलिए देखिए क्या पढ़ने वाले हैं आज। कार्बोनिल समूह की संरचना, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, जो कार्बोनिल समूह है आपका, ये सी डबल आबंध ओ है, इसकी संरचना कैसे हुई है, ठीक है ना। इसकी संरचना पढ़ेंगे, जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन है इन्हीं की संरचना पढ़ेंगे। और इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे आप, नामकरण पढ़ेंगे, जो एल्डिहाइड और कीटोन है इनका सामान्य नाम और IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे ये कार्बोनिल समूह होता है, कार्बन का देखिए एक पी कक्षक होता है, ये ऑक्सीजन के पी कक्षक से क्या होता है, अति व्यापन करके पाई आबंध बनाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए, यहाँ से मैं शुरू से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो कार्बोनिल समूह होता है, ये आपका देखिए यही कार्बोनिल समूह है, ये देखिए क्या होता है, इसका संकरण आपका क्या होता है, sp2 संकरित होता है, ठीक है ना। इसमें कार्बन परमाणु क्या होता है, sp2 संकरित होता है, ठीक है, sp2 संकरित होता है। और देखिए क्या होता है, यह अन्य तीन क्या होता है, देखिए ये जो है अन्य तीन, यहाँ पे देखिए 1 2 3, एक सिग्मा यहाँ पे भी बनेगा और एक पाई बनेगा, यहाँ पे देखिए ये सिग्मा बनेगा और एक पाई बनेगा, ठीक है ना। तो ये अन्य तीन सिग्मा आबंधों के द्वारा क्या होता है, आबंधित होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि जो कार्बोनिल समूह है यह अन्य तीन परमाणुओं के साथ समतलीय सिग्मा आबंधों द्वारा क्या होता है, 120 डिग्री सेल, यहाँ पे क्या रहता है, 120 डिग्री के कोण पर अभिविन्यासित रहता है, देखिए क्या होता है, यह अन्य तीन परमाणु के साथ क्या होता है, समतलीय तीन सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और देखिए आबंधों द्वारा 120 के कोण पर क्या होता है, अभिविन्यासित रहता है, ठीक है। इतना देखिए, ये नोट कर लीजिए, मेन यही है, sp2 संकरित होता है। और इसमें देखिए तीन सिग्मा आबंध द्वारा, एक तो यहाँ बनेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीन सिग्मा आबंधों द्वारा 120 डिग्री के कोण पर अभिविन्यासित रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कार्बन परमाणु होता है, यहाँ पे मैं इसकी यहाँ पे संरचना देखिए बना दे रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये देखिए कार्बन समूह है, इसका देखिए आपका ये जो पी कक्षक रहेगा, यहाँ पे एक पी कक्षक रहेगा और एक ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इसका भी देखिए पी कक्षक है, ठीक है। और इस पे देखिए क्या लगे थे आपके, दो एल्किल, यहाँ पे कुछ भी जोड़ सकते, दो कार्बन समूह एल्किल समूह ये लगा सकते, ये समझ लीजिए आपका एल्किल समूह है, R है, और ये भी क्या है आपका एल्किल समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एल्किल समूह, ये भी सिग्मा आबंध बनाएंगे, ये भी, और यहाँ पे ये देखिए क्या है आपके, ये भी सिग्मा आबंध द्वारा जो कार्बन ये रहेंगे, ये भी जुड़े हुए रहेंगे, और ऑक्सीजन के पास क्या रहेगी, दो एकांकी युग्म मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे यही देखिए कार्बन का जो आपका रहेगा पी कक्षक, ये ऑक्सीजन के पी कक्षक से अति क्या करेगा, अति व्यापन करके पाई आबंध बनाएगा, ठीक है ना। इसे देखिए मिल करके आपका ये पाई आबंध ये बनाता है, ठीक है। और इसके पास ये क्या है, दो आपके देखिए ऑक्सीजन के पास दो आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में उपस्थित हैं। तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इसमें देखिए जो कार्बन परमाणु का असंकरित पी कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के असंकरित
आसंकरित पी कक्षक के साथ अति क्या करता है, अतिव्यापन करके क्या बनाएगा आपका पाई आबंध, अतिव्यापन करके पाई आबंध का निर्माण करता है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, कार्बन परमाणु का आकर्षण, जो कार्बन परमाणु का क्या रहता है, असंकरित पी कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के असंकरित पी कक्षक के साथ अतिव्यापन करके पाई आबंध का निर्माण करता है, ठीक है। ठीक है, ये समझ गया ना। चलिए ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो बांध है, अगर देखिए आप कंपेयर करना चाहें, जो आपका सी डबल बॉन्ड ये सी होता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये सी बॉन्ड है और ये आपका सी, ये डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे ये आबंध है, ठीक है। इसकी कंपेयर में देखिए, इसकी जो आपकी आबंध लंबाई रहेगी, जो इसकी आबंध की लंबाई रहती है, ये इसकी ज्यादा होगी और इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि विद्युत ऋणात्मक है, ये दोनों क्या रहेंगे, आपस में मजबूती से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है ना। तो और यहाँ पे देखिए, चलिए इसको देखिए मिटा रहे, फिर आगे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होते हैं आपके, ये जो C बॉन्ड होता और ये बॉन्ड होता है, यहाँ पे ये क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ये पॉजिटिव करता है, यहाँ पे ये निगेटिव करता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो आपका सी एवं ओ का, सी एवं ऑक्सीजन, कार्बन एवं ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता, किसके विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर होने के कारण यह आबंध कैसा होता है आपका, ध्रुवीय होता है, यह आबंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। देखिए कैसा होता है यह आबंध, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, विद्युत ऋणात्मकता, क्योंकि यह विद्युत ऋणात्मक है, तो इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन क्या होंगे, यहाँ पे कार्बोनिल समूह जो होंगे वो आपके कैसे होंगे, ये आपके ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अब देखिए अगर ये क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, तो इसमें क्या होगा आपका, जो आपका द्विध्रुव क्या होता है, ये द्विध्रुव क्या कहते हैं इसके, द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान इसमें देखिए क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मान देखिए इसमें कितना होता है आपका, 2.3 से लेकर के 2.8 डी बाय होता है, ठीक है ना, 2.3 से 2.8 डी बाय होता है, ठीक है, क्योंकि ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ये देखिए इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा रहेगा, ठीक है, इसलिए आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, दर्शाएंगे, यही देखिए क्या होता है, ध्रुव आघूर्ण 2.3 से 2.8 तक होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ गए, हाँ मैं यही देखिए बता रहा था कि अगर आपको कंपेरिजन करना है ये आपके एल्कीन से और आपका ये सी जो कार्बोनिल समूह है, तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ये क्या ध्रुवीय है और इसमें देखिए विद्युत ऋणात्मकता नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, आध्रुवीय हो जाएगा, ये आपका क्या है, आध्रुवीय है और ये आपका क्या है, ध्रुवीय है, ये क्या है आपका, ध्रुवीय है। अब ये देखिए इसमें जो आबंध की लंबाई रहेगी कम रहेगी, इसमें आबंध की लंबाई क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और देखिए यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जो है आपके
जो एल्डिहाइड और कीटोन में उपस्थित कार्बोनिल समूह है। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में उपस्थित रहते हैं कार्बोनिल समूह, यही समूह रहता है ना। तो ये देखिए क्या करते हैं, नाभिक स्नेही, ये क्या करते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं देते हैं। क्या देते हैं? योगात्मक क्रियाएं देते हैं, क्रियाएं देते हैं, क्या देते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं देते हैं। अब देखिए ये क्या करते हैं, अब ये आपको कौन सा देखेंगे, ये आपके जो आपके एल्कीन रहेंगे इसमें देखेंगे तो आप ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक क्रियाएं देते हैं, योगात्मक क्रियाएं देते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये क्या देंगे आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण ये क्या करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन आपके नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं देते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना। अब इसमें भी एक चीज और देखते हैं, इसमें भी देखिए क्या होता है, सिग्मा होता है, ये भी पाई होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी क्या होते हैं, एक सिग्मा और ये पाई आबंध द्वारा ये बने होते हैं। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, ये समानताएं हैं, ठीक है। तो ये देखिए कार्बोनिल समूह की संरचना ऐसे बनती है, ठीक है। अब चलिए देख लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण, हेडिंग डाल लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप, एल्डिहाइड का, देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एवं कीटोन का, कीटोन का नामकरण, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, ये हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो पद्धतियां हैं किसी भी आपके यौगिक के नामकरण की, दो पद्धतियां प्रचलित है। पहला क्या है आपकी सामान्य निरर्थक पद्धति, दूसरी क्या IUPAC पद्धति में नामकरण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, आपकी जो निरर्थक पद्धति है सामान्य पद्धति में नामकरण करेंगे। सबसे पहले देखिए किसका करेंगे आप, एल्डिहाइड का। देखिए देखिए इसकी दो पद्धतियां हैं, पहला देखिए आपकी क्या है सामान्य पद्धति, दूसरी क्या है IUPAC पद्धति है, इसमें नामकरण करते हैं, ठीक है ना। तो पहला देखिए एल्डिहाइड का करना है, ठीक है ना, हेडिंग डाल लीजिएगा एल्डिहाइड का, कोई बात नहीं। एल्डिहाइड का देखिए पहले करते हैं, तो कौन सी पद्धति करेंगे यूज, पहली पद्धति, दो पद्धति होती है IUPAC पद्धति और दूसरी पहली ही देखिए निरर्थक पद्धति या सामान्य, दूसरी IUPAC है। तो पहला देखिए कर रहे हैं कि अब क्या निरर्थक पद्धति, निरर्थक पद्धति, निरर्थक पद्धति, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं निरर्थक या सामान्य पद्धति, ठीक है ना। तो निरर्थक पद्धति में सबसे पहले देखिए एल्डिहाइड का नामकरण कैसे करते हैं, तो इसमें देखिए लिख लीजिएगा एल्डिहाइड का नामकरण, लिखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का नामकरण, एल्डिहाइड का नामकरण इस पद्धति में एल्डिहाइड का नामकरण निम्न सारणी का, देखिए एल्डिहाइड का नामकरण करने के लिए लिख लीजिएगा, करने के लिए, करने के लिए निम्न सारणी का क्या करते हैं, निम्न सारणी का, सारणी को, निम्न सारणी को उपयोग, निम्न सारणी का उपयोग किया जाता है, किया जाता है, ठीक है ना। देखिए इसके नामकरण के लिए निम्न सारणी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए एक सारणी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या, एक सारणी बना लीजिएगा ऐसे, पहले में देखिए लिखिएगा कार्बन परमाणुओं की
संख्या, क्या लिखेंगे, कार्बन पर माणुओं की संख्या, क्या लिखेंगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या। और इस साइड लिख लीजिएगा मूल शब्द, मूल शब्द, ठीक है। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या में, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या एक है तो मूल शब्द में इसमें देखिए एल्डिहाइड में क्या लिखेंगे, फार में लिखेंगे, ठीक है। अगर देखिए कार्बन परमाणु की संख्या क्या है आपका, दो है, तो दो के लिए आप क्या लिखेंगे, एसिट, क्या लिखेंगे, एसिट, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। अगर कार्बन परमाणु की संख्या तीन है तो तीन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपियान, प्रोपियान, तीन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपियान। अगर चार कार्बन उपस्थित हैं, चार कार्बन के लिए ब्यूटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्यूटर। अब ब्यूटर में दो आप दो नाम ऐड कर सकते हैं, एन ब्यूटर और क्या लिख सकते हैं, आइसो, क्या लिख सकते हैं, एन ब्यूटर और आइसो ब्यूटर, ठीक है। अगर देखिए पांच कार्बन है तो पांच कार्बन के लिए देखिए क्या लिखेंगे आप, पांच कार्बन के लिए लिखते हैं वेलर, पांच कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, वेलर लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं आप, पांच में देखिए आप लिख सकते हैं एन वेलर एल्डिहाइड, दूसरे में क्या लिख सकते हैं, आइसो, आइसो वेलर एल्डिहाइड, फिर नियो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, नियो वेलर एल्डिहाइड, मतलब थ्री डिग्री भी लिख सकते हैं और टू डिग्री भी द्वितीयक, जैसे जिसको नहीं कहते आप प्राथमिक और द्वितीयक, द्वितीयक और तृतीयक, इसको देखिए द्वितीयक टू डिग्री और थ्री डिग्री, मतलब कि इसको आप द्वितीयक लिख सकते हैं, द्वितीयक और तृतीयक, इसको देखिए द्वितीयक लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, तृतीयक, तृतीयक, यही होगा ना, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए नाम करना है, देखिए पहला पढ़ रहे हैं निरर्थक पद्धति में इस साड़ी को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए निरर्थक पद्धति में इसका नामकरण कैसे किया जाता है, ठीक है ना, जो आपका एल्डिहाइड होता है इसका नामकरण कैसे किया जाता है निरर्थक पद्धति में। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ निरर्थक पद्धति में इसका नामकरण आप कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो यहाँ पे ये मूल शब्द है कहाँ पे गया, ये देखिए पहले इसका नामकरण करते हैं, यहाँ पे मूल शब्द, मूल शब्द, फिर क्या जोड़ देंगे, मूल शब्द में आप क्या जोड़ देते हैं, इसी में आप एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, मूल शब्द में क्या जोड़ देते हैं आप, एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, यही इसका देखिए नामकरण करने का तरीका, ठीक है ना, आपका जो सामान है एल्डिहाइड का। तो यहाँ पे देखिए मूल शब्द है, जैसे आप ले लीजिए कार्बन वन, एल्डिहाइड में सी एच ओ होता है, डबल आबंध ओ, इस साइड भी एच और इस साइड भी एच, कार्बन की संख्या एक है तो क्या लिखेंगे, फार में लिखेंगे, ठीक है ना, एक है तो क्या लिखेंगे आप, फार में, प्लस क्या जोड़ देंगे, इसी में एल्डिहाइड जोड़ देंगे, एल्डिहाइड, जब एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फार्मेल्डी, फार्मेल्डिहाइड, ठीक है ना, इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, फार्मेल्डिहाइड ये हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, चलिए ठीक है, ये समझ रहे हैं। अब दूसरा बताएं, इसको देखिए नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर आपके क्या है, दो कार्बन हो तो आपके जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी मेथिल समूह, इस पे हाइड्रोजन है, इस पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये डबल आबंध ओ है। अब दो कार्बन के लिए क्या चूज करेंगे, एसिड ना, तो एसिड प्लस एल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा, एसी टल्डिहाइड, तो देखिए लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एसिड, यहाँ पे देखिए दो कार्बन के लिए एसिड है तो क्या लिखेंगे, एसिड, एसिड प्लस क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा आपका, एसीटल्डिहाइड, एसी क्या हो जाएगा, टल्डिहाइड, नाम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड, ठीक है, ये समझ गए ना।
तो क्या हो जाएगा, एसीटैल्डिहाइड, ये नामकरण हो जाएगा। अब वैसे ही अगर देखिए क्या है, तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपी या नाल्डिहाइड हो जाएगा। चार कार्बन है तो ब्यूटेरल्डिहाइड हो जाएगा। अब देखिए आइसो कब रहता है ये बता रहे हैं हम, ठीक है। आइसो देखिए कब रहता है, जब चार लास्ट वाले कार्बन पर क्या रहता है, एक मेथिल समूह जुड़ा रहता है, तब आइसो कहते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, चार कार्बन है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, इस साइड एच है, तो लास्ट वाले कार्बन पर एक आपके मेथिल समूह जुड़े हैं। तो यहाँ पे ये सब क्या है, मेथिल समूह, ये हाइड्रोजन लगा लीजिए, ये क्या आपका मेथिल समूह है। तो देखिए इसका देखिए नामकरण क्या हो जाएगा, ये देखिए चार कार्बन है ना, सेकेंड वाले पे ये है, तो आइसो क्या लिखेंगे इसके लिए, आइसो पहले लगाएंगे, क्या है आइसो। अब देखिए चार कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटर, क्या लिखते हैं, आइसो ब्यूटा रेल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड जोड़ दीजिए, रेल्डिहाइड, ठीक है ना, ये आपका ब्यूटेरल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए समझ गए ना, तो ये देखिए समझ गए। अगर देखिए अब देखिए ये समझ में आ गया, पांच है तो वेलरेल्डी आएगा, ठीक है। तो ये देखिए समझ में आ गया ना, ये इसका देखिए सामान्य नाम, निरर्थक नाम एल्डिहाइड का देखिए आ गया समझ में, ठीक है। अब चलिए आगे बताएं, चलिए इसको देखिए मिटा रहे हैं हम। अब देखिए किसका सामान्य नाम पढ़ेंगे अब, अच्छा हाँ, अब देखिए एक चीज और बताने वाले थे, जो एल्डिहाइड में है इसमें अगर कोई भी प्रतिस्थापी लगा हुआ रहता है, तो अगर प्रतिस्थापी लगा हुआ रहेगा तो उसमें अल्फा बीटा गामा से उसको प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए आपका क्या है, ये समूह है, जैसे ये हो गया आपका एक दो तीन, एक दो तीन, और यहाँ पे ये हो गया आपका सी हो गया, इस पर डबल बॉन्ड ओ है, इस पर एच है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इस वाले कार्बन पर क्या लगा, आपका मेथिल समूह है, तो देखिए इसको क्या कह सकते हैं, देखिए आप जैसे आइसो देखिए 1 2 3 4 5 फाइव है ना, तो यहाँ पे देखिए इसको क्या कह सकते हैं, फाइव के लिए लिख सकते हैं आइसो वेलरेल्डिहाइड, या फिर अगर इसमें नहीं करना चाहते हैं तो आप अल्फा बीटा के टर्म में कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर प्रतिस्थापी लगा तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, क्रियात्मक समूह है, ठीक है, सी एच ओ क्या है आपका क्रियात्मक समूह, इससे लगा हुआ जो कार्बन रहेगा उसको कहेंगे अल्फा कार्बन, सेकेंड वाले को बीटा कार्बन, फिर ये गामा कार्बन रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका नाम बीटा पे है, बीटा पे कौन सा समूह, मेथिल समूह, हाइड्रोजन नहीं लगा, हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, इस साइड भी हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, इस साइड भी देखिए हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हो गया ना। तो देखिए अब इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा, देखिए ये अल्फा ये बीटा पे मेथिल समूह है, तो इसका क्या नाम लिखेंगे, बीटा, क्या लिखेंगे, बीटा मेथिल, प्रतिस्थापी को पहले लिखते हैं, समझ आए ना, बीटा मेथिल। और देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4, चार कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेरल्डिहाइड लिखेंगे ना, ब्यूटर लिखते हैं चार कार्बन के लिए, ब्यूटेरल्डिहाइड, समझ है ना, इसके लिए ब्यूटेरल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये देखिए समझ, याद रखिएगा अल्फा बीटा गामा के टर्म में, ठीक है। और भी एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे आपका देखिए अल्कोहल वाला समूह लगा है, तो आपका यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, इस साइड एच है, इस पर क्या लगा हुआ है आपका OH है। अब देखिए क्रियात्मक समूह, सबसे ज्यादा वरीयता किसको देंगे आप, यहाँ पे एल्डिहाइड को देंगे, अल्कोहल की वरीयता क्या होती है, कम होती है, समझ आए ना। तो इसके लिए ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड, ये नामकरण हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए देखिए कीटोन का पढ़ रहे हैं, कीटोन का, ठीक है ना। दूसरा देखिए कीटोन का नामकरण, देखिए जो कीटोन का नामकरण होता है, कीटोन, कीटोन का बता रहे, दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना, पहला एल्डिहाइड का पढ़ चुके हैं सामान्य नाम। तो देखिए कीटोन का जो नामकरण होता है, कीटोन का नामकरण नामकरण डाई एल्किल
डाई एल्किल कीटोन का नामकरण डाई एल्किल कीटोन कीटोन के रूप में किया जाता है ठीक है ना। देखिए कीटोन का नामकरण डाई एल्किल कीटोन के नामकरण किया जाता है। डाई एल्किल क्यों कहते हैं, जब जो सममित रहेंगे, ठीक है ना, मतलब कि दोनों एल्किल समूह जब समान रहेंगे तो डाई एल्किल कीटोन के रूप में करते हैं, ठीक है। अगर देखिए जो आपके एल्किल समूह क्या रहते हैं, भिन्न भिन्न रहेंगे तो कैसे नाम लिखेंगे, ठीक है ना। या फिर लिख सकते हैं कि जब क्रियात्मक समूह से जुड़े क्या हो, एल्किल समूह क्या हो भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो तो भिन्न भिन्न हो तो इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो इसका नामकरण आप देखिए क्या करेंगे, एल्किल इसका नामकरण कैसे करते हैं आप, अल्फाबेटिकल क्रम में करेंगे, ठीक है ना। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार कैसे करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार दोनों एल्किल समूह हैं का नाम अलग अलग लिखकर कीटोन शब्द जोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, लास्ट में आप कीटोन शब्द जोड़ देते हैं, कीटोन या फिर लिख सकते हैं कि अलग अलग लिखकर कीटोन आप बाद में जोड़ देते हैं, कीटोन बाद में जोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इतना देखिए समझ में आया ना, इतना इसको लिख लीजिए, ठीक है, कि देखिए इसका जो नामकरण होता है, कीटोन का नामकरण डाई एल्किल कीटोन के रूप में किया जाता है, जब क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो तो इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार दोनों एल्किल समूह का नाम अलग अलग लिख दिया जाता है, ठीक है। इतना देखिए इतना लिख चुके, चलिए ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कीटोन का, ठीक है, सामान्य नाम का देखिए कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। हाँ देखिए इसका सामान्य नाम का, जैसे कीटोन है, पहले ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन है, इस साइड भी सी एच थ्री समूह लगा है और इस साइड भी सी एच थ्री समूह लगा है, तो इसका देखिए नामकरण क्या हो जाएगा, ये भी मेथिल है तो नाम क्या हो जाएगा इसका, डाई मेथिल कीटोन हो जाएगा, ठीक है। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, डाई मेथिल कीटोन हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए अगर यही समूह हट करके आपका C2H5 एथिल समूह हो तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या हो जाएगा आपका, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यही होगा कि ये मेथिल है और ये एथिल है, तो एथिल पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल में पहले ई आता है, फिर क्या आता है, एम आता है, फिर लास्ट में कीटोन जोड़ देंगे, ठीक है। और एक चीज है यहाँ पे जो आप लिखे थे डाई मेथिल कीटोन, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और इस साइड भी सी एच थ्री, यही देखिए डाई मेथिल कीटोन है ना, तो इसको क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं, ठीक है ना, इसका नाम एसीटोन भी है। तो देखिए इसका यहाँ पे देखिए ये समझ गए ना, तो इसका नामकरण कैसे करते हैं कीटोन का, चलिए देखिए। और रात भी हो रही है यहाँ पे और ये बता रहे हैं
ये सी डबल बॉन्ड ओ है, इस साइड अगर सी सिक्स सी एच फाइव फेनिल समूह है, इधर सी एच थ्री मेथिल समूह है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये फेनिल है, ये मेथिल है, तो एम पहले आता है कि पी आता है? एम आता है ना, तो क्या नाम हो जाएगा? मेथिल फेनिल, मेथिल फेनिल क्या हो जाएगा? कीटोन, इसका नाम यही हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना, रात हो रही है, मेथिल फेनिल कीटोन, ठीक है, इसका ये नामकरण हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको देखिए मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर कीटोन में कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित होता है, तो जैसे आपका ये कीटोन है, ये आपका कीटोन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, इस साइड भी ओ, यहाँ पे भी सी एच थ्री। अब देखिए ये जो कीटोन है, अगर कोई भी प्रतिस्थापित समूह आपके जुड़े हैं, तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये ओ एच मान लीजिए, यहाँ पे ओ एच, इस पे भी ओ एच है, ठीक है, हाइड्रॉक्सी समूह है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे सी एच थ्री कर लीजिए, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है, इस साइड भी हाइड्रोजन, इस साइड भी हाइड्रोजन है। तो ये देखिए कीटोन है, ये क्या है? डाई एथिल कीटोन है, समझ रहे हैं? लेकिन प्रतिस्थापी पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए पहला वाला कार्बन, इससे जो पहला लगेगा ये अल्फा कार्बन रहेगा, तो इस साइड क्या हो जाएगा? अल्फा डैश हो जाएगा। ये वाला कार्बन बीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा डैश हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसमें देखिए पहले ये आपके क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी लिखते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अल्फा कॉमा अल्फा डैश, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? अल्फा कॉमा अल्फा डैश डाई हाइड्रॉक्सी, दो है ना, डाई हाइड्रॉक्सी। अब देखिए क्या है, एथिल है ना, डाई एथिल लिखेंगे, ठीक है, डाई एथिल क्या हो जाएगा? लास्ट में कीटोन जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सामान्य नाम हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा ना। तो देखिए चलिए ठीक है, ये एक और लास्ट बता रहे, तो रात ज्यादा हो गई है, ठीक है ना, दिखेगा नहीं, नहीं तो हाँ। अब देखिए अगर ये आपको दिया गया हो सी डबल बॉन्ड ओ सी, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे भी मेथिल समूह जुड़े हो, तो अगर मेथिल समूह जुड़े हैं तो इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा? ये सब हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, इस साइड भी हाइड्रोजन, इस साइड भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो देखिए दोनों मेथिल समूह जुड़े हैं, तो यहाँ पे देखिए अल्फा ये वाला कार्बन है, ये भी अल्फा डैश कार्बन है, ये बीटा हो जाएगा आपका कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, बीटा डैश हो जाएगा। तो देखिए अल्फा अल्फा पे क्या है? मेथिल समूह है, तो क्या लिखेंगे? अल्फा कामा अल्फा डैश डाई मेथिल, क्या हो जाएगा? डाई मेथिल, ठीक है, डाई मेथिल। फिर देखिए एथिल है दोनों साइड ना, तो क्या लिखेंगे? डाई एथिल, डाई एथिल कीटोन, ठीक है, तो ये इसका नामकरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू। कल देखिए, कल इसको जो IUPAC नाम है उसको अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है ना, उसमें भी जो सामान्य नाम है उसका यहाँ पे थोड़ी सी बताएंगे, ओके, थैंक यू।